हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ हैवेल्स कंपनी का एग्जॉस्ट फैन। आप देख सकते हैं हैवेल्स वेंटिलेटर डीएसपी मॉडल, और यहाँ पे देखते कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इजी टू क्लीन टेक्नोलॉजी, काफी आसानी इसको आप साफ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 ईयर्स की गारंटी देखने को मिल जाता है। साथ साथ आपको यहाँ पे 230 mm का स्वीप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और गाइस, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि रस्ट फ्री है, बर्ड गार्ड बेसिकली ये जाली है ताकि इसमें चिड़िया वगैरह आके ना टकराए। और इसका जो गाइस RPM 1350 RPM यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। और हम इस साइड से एक बार इसको देख लेते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, और इधर से भी सेम टू सेम वही देखने को मिल रहा है। और गाइस यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे कि इसका कलर है ब्राउन कलर, चोको ब्राउन, तो काफी अच्छा कलर है। और यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज इसका जो है 220-240 वोल्ट है सिंगल फेज एसी का। और वैसे MRP गाइस यहाँ पे देखते हैं 1300-2315 रुपये है, तो मैंने इसे काफी कम कीमत परचेज किया। आगे मैं वीडियो में आपको बताता हूँ कितने मैंने इसे परचेज किया। और गाइस इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं अप्रैल 2023, तो अभी जून 2023 चल रहा है, काफी लेटेस्ट प्रोडक्ट है। बाकी गाइस यहाँ कंपनी का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे कस्टमर केयर का एक नंबर भी दिया हुआ है। तो चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को हमें मिलता है। और ये गाइस कुछ इस प्रकार से बॉक्स के अंदर है, आप देख सकते हैं। इसको एक बार निकाल लेते हैं बाहर। इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे से। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये है अपना मोटर। ओके, और तो गारंटी कार्ड देखने को मिलता है। आपको इसमें 2 ईयर की गारंटी मिलता है, तो आप देख सकते हैं 2 ईयर्स की गारंटी देखने को मिलता है। गारंटी मतलब ये रिपेयर होगा। और यहाँ पे सारा कुछ है, फिर इसको हम लोग संभाल के रख लेते हैं। आप गाइस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये देखिए, तो काफी सुंदर डिजाइन है। एक बार मैं कैमरा को थोड़ा ऊपर कर दूं, और यहां से थोड़ा सा ऐसे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलता है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो गाइस आप देखते हैं, ये जाली जो है बर्ड गार्ड बेसिकली ये प्लास्टिक का है, और ये वाला पार्ट भी ये प्लास्टिक का ही है, ये काफ़ी मजबूत प्लास्टिक है। बाकी गाइस ये वाला पार्ट जो है मेटल का है, और ये वाला पार्ट भी मेटल का है। यहाँ पर चार नट देखने को मिल जाता है। बाकी आपको इस तरह का वायर देखने को मिलता है, वायर कॉपर का है तो सही है। और ये रहा ब्लेड। चलिए इसको ऑपरेट करके हम दिखाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे ये कितना वाट लूट लेता है। तो गाइज ये रहा अपना डिजिटल मीटर, जहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 212 वोल्ट देखने को मिल रहा है, और यहाँ वाट अभी 0 है। तो चलिए इस फैन को इसमें हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने से पहले हम आपको एक बार बता दें कि इसका जो वायर है आपको इस तरह से रखना है ताकि इसके ब्लेड में ना टकराए। इस तरह से रख लेते हैं ताकि ब्लेड जो है वायर जो है ब्लेड में ना टकराए। और यहाँ पर हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे 34 वाट के आसपास ये कंज्यूम कर रहा है। हालांकि कंपनी ने 40 वाट लिखा है, 40 वाट इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ा सा वोल्टेज जो है वो डाउन है, क्योंकि 212 वोल्ट के आसपास है, ये 240 के आसपास होता तो यहाँ पे 40 वाट 45 वाट ये कंज्यूम करता। कंपनी ने इसमें रेटिंग किया हुआ है 40 वाट का। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सावधानी से पकड़ना हो क्योंकि पीछे ब्लेड चल रहा है। और गाइस इसका एयर थ्रू आप देख सकते हैं, काफी सही एयर थ्रू आ रहा है। पीछे से मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये कैमरे में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्लो है, तो एयर थ्रू काफी सही है।
बाकी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन कंपनी ने यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे 40 वाट लिखा हुआ है। एक बार मैं फोकस ठीक से कर दूँ, आरपीएम 350, वोल्टेज भी दे रखा है सिंगल फेज, और मॉडल नंबर दे रखा है वेंटिलेटर डीएसपी। और गाइस यहाँ पर दे सकते हैं ARE 360, ये क्या है पता नहीं, और कस्टमर केयर के यहाँ पे नंबर भी दे रखा है। तो गाइस काफ़ी अच्छा वेंटिलेटर, इसको आप किचन में लगा सकते हो, हॉल में लगा सकते हो, रूम में लगा सकते हो, बाथरूम में भी लगा सकते हो, जहाँ पे आपको लगाने का मन हो। इसको काफ़ी सावधानी से रखना होगा। गाइस आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नॉइस फ्री है, आप देख सकते हो नॉइस इसका बिल्कुल जीरो है, जीरो तो नहीं कर सकते, हल्का फुल्का है, एक तरह से जीरो ही समझ सकते हैं, नॉइस बिल्कुल है ही नहीं, काफ़ी साइलेंट चल रहा है। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई भी कमेंट कोई भी क्यूरी हो तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।